सब्सक्राइब करें हाउ टू यूट्यूब चैनल को, दबाएं इस बेल के आइकन को लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरीद और आप देख रहे हैं हाउ टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त वॉलपेपर के बारे में बताने वाला हूं। उस वॉलपेपर में जो है वॉलपेपर जो है खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉलपेपर हैं वो खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वॉलपेपर्स को आप बार बार चेंज करते रहते हैं खुद, लेकिन इस एप्लीकेशन में ये जो वॉलपेपर हैं खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे, तो है ना मज़े की बात। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ और आप दोस्तों को भी बता दूँ कि हम जो है ऑटो वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, अब इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है हाउ टू यूट्यूब के नाम से, आप दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो वीडियो में इस वीडियो में मुझे कम से कम 1000 लाइक चाहिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलें अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये एप्लीकेशन ओपन करता हूं और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि हम जो इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो वॉलपेपर है आपने इस पर इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये अगर ऐड आए तो आपने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे ऊपर भी 3 लाइंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनको आपने नहीं छेड़ना। बस ये जो सबसे पहले जो सेटिंग है, आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने देर बाद एक वॉलपेपर जो है वो चेंज होता रहे। तो यहाँ से आप 2 सेकंड लगा सकते हैं, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड एंड 15 सेकंड। और नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉलपेपर पहले भी मौजूद हैं। अगर आप कोई अपनी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करके गैलरी पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ से कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड। ठीक है, ये पिक्चर हमारी भी ऐड हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और अब आपने यहाँ जो चेक मार्क का आइकन है ऊपर ओके का, तो आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद सेट वॉलपेपर पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आपने जस्ट सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। तो जूँ ही आप सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको ऐड एग्ज़िट कर दें। एग्ज़िट करने के बाद ये देख सकते हैं खुद ब खुद जो है वॉलपेपर वो चेंज हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है, यानी कि आप अपनी कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं, जितनी इमेज चाहें आप ऐड कर सकते हैं, अपनी गैलरी में से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके बहुत सारी इमेज लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने ये इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑटो चेंज वॉलपेपर के नाम से जो एप्लीकेशन है, इसका आइकन भी आप देख लें। तो यहाँ से आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4 पॉइंट रेटिंग है और 5000 डाउनलोड्स हैं, जो कि कारामद एप्लीकेशन है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो लास्ट में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।